मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी है, निकाय चुनाव नजदीक है, क्या कहना है सबसे पहले आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अधिकारियों के ऊपर दबाव डला करके निष्पक्ष चुनाव न होने के निर्देश दिए गए, क्योंकि तमाम ऐसे वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाए गए हैं शहरी निकाय के वोटर लिस्ट में, जो प्रधानी के यानी ग्राम सभा के प्रधानी के वोटर लिस्ट में उनके नाम हैं, हजारों कई हजार हर जगह उनके नाम ला करके शहरों में बढ़ाए गए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। तमाम ऐसे जो उनके ये है कि उनको वोट नहीं देंगे, उनके वोट वार्ड नंबर के एक का वोट वार्ड नंबर 25 में 50 में जोड़ दिया गया, तो जानबूझ के डिस्टर्ब करने के लिए ये साजिश की जा रही है। मेरा आप लोगों के माध्यम से DM मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश के सभी इस इलेक्शन में लगे हुए अधिकारियों से अनुरोध है कि उसको ठीक करें, वरना मजबूरी में हमको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। दो जगह उपचुनाव हैं, आजम खान के जगह पर अब उनके जो हैं आसिम रजा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं भाजपा के प्रत्याशी हैं, कितना मुकाबला रहेगा उनका और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? देखिए, कांग्रेस कोई पहली बार नहीं है, कांग्रेस ने भर नहीं उतारा और दूसरी पार्टियों ने भी नहीं उतारा। कांग्रेस ने इससे पहले रामपुर में पार्लियामेंट का हुआ तो नहीं उतारा, आजमगढ़ में हुआ तो नहीं उतारा, निघासन में विधानसभा का हुआ तो नहीं उतारा। हम बाई इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने आरोप लगाए 70 साल तक लगातार कांग्रेस ने जो है भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति करी, इसमें क्या कहना? देखिए, जब इनके पास पब्लिक से किए हुए वादे पूरे करने का कोई रास्ता नहीं है, पब्लिक को सिर्फ धोखा दे रहे हैं, तो पब्लिक को दिमाग बांटने के लिए ऐसी ही बातें ये लेके आते हैं। इन्होंने वादा किया कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, दुगनी छोड़ो, उनके हम लागत ही नहीं निकल रही है। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, बेरोजगारी मुँह बाहे खड़ी है। इन्होंने कहा महंगाई दूर करेंगे, महंगाई सर पे है। डीजल पेट्रोल में ये रोज चिल्लाते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। आज किसान मारा मारा फिर रहा है, आत्महत्या करने को तैयार है, गन्ना किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा है, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। इसके अलावा गन्ना किसान के साथ साथ सारे किसान दिल्ली बॉर्डर पे साल भर बैठे रहे गिजाड़ा गर्मी बरसात में, और 600 से ज़्यादा लोग किसान मर गए, तुमने काला कानून थोप दिया। कोरोना में तो फेल हो गए, गंगा में लाखों लाशें बह, गंगा नदी में लाखों लाशें बहती रहीं, तुम इसका हत्यारा कौन है? जब आप हर जगह फेल हो तो ऐसे बयान दे करके आप अपनी कमियों को छिपाने का नाकामयाब प्रयास कर रहे हो। अच्छा, कांग्रेस अभी जो निकाय चुनाव जो हो रहे हैं, कितना किस तरीके का प्रदर्शन है, कैसा मुकाबला है अभी बता पाने में मुश्किल है। हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जब तक रिजर्वेशन नहीं आ जाता कहाँ पे कौन सीट पे कौन लड़ेगा, अपर कास्ट लड़ेगा, बैकवर्ड लड़ेगा, शेड्यूल कास्ट लड़ेगा, महिला है पुरुष है, जब तक ये नहीं आ जाता तब तक हम आपकी बात का जवाब सही नहीं दे पाएंगे, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने मुरादाबाद में TV9 से खास बातचीत की और उसमें कहा है कि निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। शारिक सिद्दीकी, TV9।